शहर में भटकी जंगली गाय। चांद और गौतमी दोनों पति पत्नी हैं। चांद गौतमी से बहुत प्यार करता है, वो तो उसके लिए जान भी दे दे। पूरे जंगल का वो एक अनोखा जोड़ा था, सबसे अद्भुत और सुंदर। इसी वजह से जंगल में उनको ना चाहने वाले भी थे जो उनके जोड़े से जलते थे और उनका हमेशा बुरा चाहते थे। इस बात की चांद को तो भनक थी, इसीलिए उसे बस हमेशा गौतमी की चिंता रहती थी कि उस पे कोई अपनी बुरी नजर न डाल दे। गौतमी, तुम बस घर पे रह के हमेशा आराम किया करो। तुम्हें जो कुछ भी खाना हो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों चांद, तुम्हें ना जाने किस बात का डर रहता है। मुझे क्यों बाहर नहीं निकलने देते, हमेशा रोकते रहते हो। नहीं गौतमी, मैं भी तुम्हें रोकने टोकना नहीं चाहता, पर तुम सब जानती हो ना, हम पे सबकी नजर रहती है। मैं नहीं चाहता कि किसी की गंदी नजर तुम्हें लगे, बस इसी वजह से मैं तुम्हें हमेशा बाहर जाने से रोकता हूँ। गौतमी भी चांद से उतना ही प्यार करती थी जितना कि चांद करता था, पर उसे इस बात का बहुत बुरा लगता था कि चांद उसे बाहर निकलने नहीं देता। गौतमी जिद्दी बहुत थी, हमेशा जिद पर अड़ जाती। फिर चांद के मना करने पर वो बाहर ना जाने लगी। चांद शाम को जब घर लौटता उसके लिए बहुत कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता। फिर एक दिन की बात है, बहुत रात हो जाती है, चांद अभी घर नहीं लौटा था। गौतमी को बहुत चिंता लगती है। चांद ने तो आज हद कर दी, इतनी देर कभी नहीं की आने में। मुझे अकेले में डर भी बहुत लग रहा है, कहाँ होगा चांद। हाँ, एक काम करती हूँ, बाहर जाकर देखती हूँ, लेकिन चांद ने बाहर जाने से मना कर रखा है। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी चांद घर नहीं आता। फिर गौतमी उसे ढूंढने बाहर निकल जाती, बहुत तलाशती है, पर चांद कहीं भी नहीं मिलता। चांद, चांद कहाँ हो तुम, मुझे बहुत डर लग रहा है, वापस आ जाओ। अब मैं तुमसे बाहर जाने की जिद भी नहीं करूंगी, बस लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, आ जाओ ना चांद। अरे क्या हुआ गौतमी, क्यों रो रही हो तुम? हाँ, वो मैं चांद को ढूंढ रही हूँ, बहुत समय हो गया आज, वो घर नहीं आए। हाँ, शायद मैंने उसे देखा था, आज दोपहर को वो मुझे शहर की ओर जाते हुए दिखा था। क्या, शहर की ओर? लेकिन वहाँ क्या करने जाएगा भला चांद? अब पता नहीं क्या करने गया होगा, ये तो वही जाने, मैंने जो देखा वो बता दिया। गौतमी बहुत चिंतित हो जाती है और वो ठान लेती है कि वो शहर की ओर जाएगी चांद को खोजने। रात के अंधेरे में गौतमी चांद को ढूंढते ढूंढते शहर की ओर चली आती है। लगता है अब तो शहर भी आ गया, लेकिन चांद कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे। गौतमी के लिए शहर और शहर की हर एक चीज नई थी, उसने वो चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। शहर के लोग, घर, गाड़ियां, उसे डर भी बहुत लग रहा था, पर चांद को ढूंढना भी जरूरी था। उधर चांद सुबह घर आ गया था, जब वो गौतमी को घर पे नहीं पाता तो बहुत दुखी हो जाता है। फिर जैसे तैसे उसे पता चलता है कि गौतमी उसे ढूंढने शहर की ओर गई है। यह सुन के चांद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। गौतमी, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि कुछ भी हो जाए घर से बाहर ना निकलना, अब मैं तुम्हें कैसे तलाशूं? पर गलती तो मेरी भी है ना, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। अब गौतमी चांद को ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी, उसे भूख भी बहुत लग रही थी, पर शहर में घास नाम की चीज उसे दिख नहीं रही थी। कभी गाड़ी उसे हॉर्न बजा के भगाती तो कभी मोटर बाइक वाले उसे भगाते। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसके लिए कोई एक सुरक्षित कोना भी ढूंढ पाना मुश्किल था। क्या करूं, कहां जाकर छुप जाऊं, मुझे यहां बहुत डर लग रहा है। चांद कहां हो तुम, और भूख भी बहुत लगी है। चांद भी गौतमी को ढूंढता हुआ अब शहर आ गया था। गौतमी इतना थक चुकी थी कि उसे अब ये लगने लगा था कि शायद अब वो चांद को नहीं मिल पाएगी और वो कभी भी अब अपने घर जंगल नहीं जा पाएगी। डरते डरते गौतमी ने एक बर्गर वाले के ठेले के पास बैठने की जगह तलाशी। तभी उसकी नजर एक बच्चे और उसकी माँ पे पड़ती है जो उस ठेले वाले के पास बर्गर खाने आ रहे थे। बच्चे को लगा गाय को भूख लगी है इसलिए वो मुझे देख रही है, वो जाके उसे बर्गर देता है। गौतमी को भूख भी बहुत लगी थी, वो जैसे ही बर्गर खाने लगती है तभी वो औरत उसे डंडा लेकर मारने लगती है। आवारा गंदी गाय बच्चे के हाथ से बर्गर छीन के खाती है, भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मार दूंगी तुझे। औरत गौतमी को डंडे से खूब मार के भगा देती है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर मुझे क्यों मार पड़ी? अब तो मेरे में हिम्मत ही नहीं बची कि मैं और चल सकूं और चांद को ढूंढ सकूं। खाना तो कोई दे नहीं रहा, बस कहीं
पानी की बूंदे ही मिल जाती। तभी उसे एक जगह दुकान के बाहर बहुत सारी पानी की बोतलें दिखती हैं। ये तो पानी है। जैसे ही गौतमी दुकान के पास आके मुंह से पानी की बोतल उठा के पानी पीने लगती है कि तभी दुकान का मालिक बाहर निकल के उस पे बहुत गुस्सा करता है। चोर गाय मेरा नुकसान कर रही है, जा भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार खाएगी खामखा मुझसे। दुकानदार भी उसे गुस्सा करके वहाँ से भगा देता है। थकी हारी सी गौतमी अब हार मान चुकी थी, ना तो उसने कुछ खाया था ना पिया था, जिस वजह से अब वो उठ भी नहीं पा रही थी। चांद, आज मुझे समझ आ रहा है क्यों हमेशा तुम मेरा इतना ख्याल रखते थे, क्यों बाहर नहीं निकलने देते थे, और मैं हमेशा तुमसे शिकायत करती रहती थी कि तुम मुझे रोकते टोकते हो। कितनी गलत थी मैं, वो सारे पल मुझे याद आ रहे हैं, जब सब खत्म हो रहा है। तभी कुछ 3-4 आवारा कुत्ते गौतमी को अकेला पाते हैं और उस पे झपट पड़ते हैं। वो उसी हालत में वहाँ से बहुत बुरी तरह से भागती है। तभी बीच रास्ते में चांद भी आ जाता है। वो उन कुत्तों को अपनी सींग से उठा के पटक देता है और मार के भगा देता है। गौतमी जमीन पे गिर जाती है। गौतमी, तुम ठीक हो ना? बोलो। तुम आ गए चांद। गौतमी और चांद एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। तुम कहाँ चले गए थे? हाँ गौतमी, गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हें अकेले कभी नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। मैं किसी कारण रात को घर ना आ सका, पर आज से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगा अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मैं इसी शहर में भटक भटक के भूखी प्यासी मर जाऊंगी। तुम्हें तलाश करते करते मैं खुद भटक गई थी। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें खुद से भी दूर नहीं जाने दूंगा। चलो अब घर चलो, ये शहर, यहाँ की चीजें और यहाँ के लोग हमारे लिए नहीं बने हैं, हमें देखते ही ये लोग काट खाने को दौड़ते हैं। चांद गौतमी को जैसे तैसे घर ले आता है और घर पे जख्मी गौतमी की खूब सेवा करता है, उसको अच्छा अच्छा चारा खिलाता है, खूब देखभाल करता है, जिससे बहुत जल्दी गौतमी ठीक हो जाती है और गर्भवती भी हो जाती है, और बहुत जल्द चांद और गौतमी एक बछड़े के माँ बाप भी बन जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक शेयर कमेंट और फॉलो जरूर करें।